और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों का एक निवेदन कि सर एक मैराथन क्लासेस स्टार्ट कीजिए सर। तो एक हमने ये लाइव सभी के लिए एक लाइव किया है हमने मैराथन क्लास, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हम जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे से, तो एक हमने ये मैराथन क्लास शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन वाले ये लिखा हुआ है मैंने डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, क्योंकि तो काफ़ियों को पता नहीं है कि जो बीपीएससी शारीरिक शिक्षा को लेकर एक मैराथन क्लास, और ये ध्यान रखना 100% जो मैं अभी बता रहा हूँ मैं वो आपका जो बीपीएससी का लेवल है उस लेवल को देखते हुए ये संभावित प्रश्न जो है 100% आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इस वीडियो को देख के, वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी, बहुत लंबी क्लास चलेगी, आप अपना पेन और एक डायरी एक रजिस्टर जरूर मेंटेन कर लें, रजिस्टर को मेंटेन कर लें और उसके ऊपर जो मैं बताते जा रहा हूँ पॉइंट टू द पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। कैसे लिखना है वो भी तरीका बताऊंगा मैं, और उसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लगभग लगभग एक महीना आपके पास है। इस एक महीने में अधिक से अधिक क्या पढ़ा जाए और मेन क्या है कि 100% आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो पेपर में आने वाले संभावित प्रश्न आप देखेंगे कि मैं उन प्रश्नों को समझा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो बिना समय गंवाए हम आगे चलते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब जुड़े हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग कई दूसरी क्लासेस से जुड़े हुए, उन्होंने सबका मैसेज मेरे पास आया कि सर आप सर मैराथन क्लास लीजिए सर, आप एक बार मैराथन स्टार्ट कीजिए कि आपको हमें अच्छा लगे सर, और एग्जाम के अंदर वो संभावित प्रश्नों से जुड़े हुए वो हमारी मैराथन क्लास होनी चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको याद करने का तरीका वो मैं समझाना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ देखेंगे आप। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन, ठीक है, क्योंकि यही हमारी विद्यादायिनी है, यही आपके ऊपर पूरा परोपकार इनका, आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद, माँ सरस्वती को नमन सबसे पहले। और आपका देखेंगे कि जो एक बीपीएससी का टेंटेटिव सिलेबस आप देखेंगे, टेंटेटिव सिलेबस जो बीपीएससी का है वो ये सिलेबस है 15 यूनिट दे रखी है, क्योंकि अभी तक वो जो सिलेबस है क्लियर नहीं किया है, बट मुझे हमें मालूम है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जाम्स अभी तक हम देखते हैं, जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, वो क्वेश्चंस आप देखेंगे कि लगभग लगभग वही क्वेश्चंस तरीके से आते रहते हैं। और सिलेबस यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो सिलेबस 15 यूनिट का सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है और ये हर चीज़ कवर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमसे कोई पूछे कि सर हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस 15 यूनिट के अंदर कहाँ आ रहा है, तो भाई देखो थोड़ा बहुत ओलंपिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन आ गया, तो ओलंपिक कुछ आ गया यहाँ पर, उसके चेंजिंग ट्रेंड्स इन कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर थोड़ा बहुत आ गया, बट इतिहास कहीं दिख नहीं रहा, बट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी डायरी पेन लेके स्टार्ट रहे और हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। तो अब फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे हमारी शारीरिक शिक्षा के अंदर, शारीरिक शिक्षा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक लंबी क्लास रहने वाली है, पानी की बोतल जरूर रख लें अपने साथ और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस मैराथन क्लास को जैसे जैसे लेके चल रहा हूँ आपको ऐसे ही उतारना है अपनी कॉपी के अंदर, और जब आप देखेंगे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो देखेंगे आपको जो साइंस तरफ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये एक ऐसा विषय है जो कई शब्द विषयों से लिंकअप है, ये कई विषयों से लिंकअप है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब कैसे लिंकअप है, हेल्थ एजुकेशन का संबंध इसी से है काफी कुछ,
उसके बाद वहां देखेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन इससे जुड़ा हुआ है, वहां देखेंगे किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स जुड़ा हुआ है इससे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने क्या किया कि बड़ा एक विषय, एक बड़ा क्षेत्र लेना चाहा तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर हम आए, ठीक है। तो अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सीधी सीधी बात है, सबको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी, एनाटॉमी और हमारा क्या है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इस एनाटॉमी के अंदर हम सीधे सीधे, सबको पता है कट शॉर्ट के अंदर कि भाई शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहा जाता है, जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंग, शरीर कैसे हमारा एक तरीके से इसकी रचना बनी रहती है उसके अंदर उसका अध्ययन करते हैं एनाटॉमी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर वही जो अंग हैं, वही जो हमारा सिस्टम्स हैं, वो कैसे कार्य कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इन, ये जो हमारे पास ये दोनों शब्द हैं, उसको जानने से पहले हमको एक इसकी हायरार्की, इसके किसका वो देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेल, कोशिका, कोशिका होती है, हम यहाँ देखेंगे कोशिका, कई कोशिका से मिलके क्या बनता है, ऊतक बनता है हमारा, क्या बनेगा ऊतक, मतलब टिश्यू। ठीक है, कई ऊतकों से मिलके क्या बनेगा, शरीर का अंग बनेगा, अंग बनेगा, ऑर्गन। ठीक है, ये क्या बना हमारा अंग, और कई अंगों से मिलके क्या बनेगा, एक हमारा तंत्र बनेगा, मतलब सिस्टम बनेगा, तंत्र। और पूरे तंत्र, जब सभी तंत्र मिल जाएंगे तो हमारा क्या मानव शरीर बनता है, मानव, आप देखेंगे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, ये इसकी हायरार्की है, ये कि इस तरीके से हमारा हम सिस्टम चलता है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। अब देखना है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमको एक मानव शरीर की एनाटॉमिकल स्थिति का पता होना चाहिए, कैसे होती है, इस पर ही कई क्वेश्चन बनेंगे, आपको देखना है। एक, दोनों हथेली देख रहे हैं आप, हथेली आगे की तरफ रहेंगी आपकी, ये हथेलियां ऐसे यहाँ साइड में लगाई जाती है ऐसे कर, ये हथेलियां ऐसे कर, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके लिए एक एनाटॉमिकल स्थिति। जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले ही एनाटॉमिकल स्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी जो पुस्तक है शारीरिक शिक्षा, एक समग्र अध्ययन के, जो हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पहला पेज पे हमने इसी को स्टार्ट किया है। अगर आप पेज नंबर आप देखेंगे तो मैं इसको पेज नंबर का भी बताता हूँ मैं आपको कि किस पेज पर ये हमने जो स्टार्ट किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके पेज नंबर आप देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेज नंबर 410 और 411 पे एनाटॉमिकल पोजीशन दे रखी है, उससे एक क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में। अब कैसे है, अगर ये मैं खड़ा हूँ इसको बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब देखेंगे हमारे शरीर के ऊपरी भाग को, मतलब सिर वाले भाग को, सिर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, नोट करने की जरूरत है, मतलब जो हमारा सिर है, तो हम यहां देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन, कहने का मतलब क्या हुआ हिंदी में, एनाटॉमिकल स्थिति, ठीक है, एनाटॉमिकल स्थिति। तो एनाटॉमिकल स्थिति के अंदर देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि सिर की तरफ वाला भाग, एक ये व्यक्ति है ये खड़ा हुआ है, इसका ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रैनियल कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्रैनियल, ठीक है, लिखने की जरूरत है, ये क्रैनियल,
और निचले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कॉडल। कॉडल का मतलब हो गया पूंछ, ठीक है ना। हम देखेंगे पूंछ, यहां देखेंगे आप पूंछ, पूंछ वाला भाग ये यहां देखेंगे आप। पूंछ वाला भाग पूंछ कहा जाएगा। तो आपने देखा ये कि तो पूंछ का मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो टेल बोन किसको कहते हैं, हम नोट कर लेना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेल बोन किसे कहा जाता है। टेल बोन मतलब पूंछ वाली हड्डी, पूंछ वाली हड्डी। वो क्या है, कॉकेक्सियल, क्या बोलते हैं, कॉकेक्सियल, ठीक है। कई कॉकेक्सियल बोला जाता है, ये आप लिख लें कॉकेक्सियल, ठीक है। ये क्या हो गया, आप यहां देखेंगे कॉकेक्सियल ये कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर सिर की तरफ वाले भाग को क्रैनियल भाग, नीचे को हम कॉडल भाग कहते हैं, नंबर वन चीज। नंबर दो चीज, शरीर के ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, शरीर के ऊपरी वाले हिस्से को आप देखेंगे, ऊपर वाले भाग को यहां देखना है, ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। यहां देखेंगे सुपीरियर, यहां एक को समझने की जरूरत है आपको। तो आप ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ, हमने हमने बोला ऊपर वाले भाग को, आपने कहा सुपीरियर, ठीक है। और जो निचला भाग होगा उसको हम कहेंगे इन्फीरियर, नीचे वाले भाग को हम कहेंगे, नीचे वाले भाग को इन्फीरियर, इन्फीरियर, निचले भाग को हम कहेंगे इन्फीरियर, इन्फीरियर। ये देखेंगे आप इन्फीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि ये जो हमारी ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी का ऊपरी भाग सुपीरियर कहलाएगा, निचला भाग इन्फीरियर कहलाएगा, क्लियर हो गया। तो सुपीरियर इन्फीरियर हमारे जो शरीर के अंग है, ऊपरी भाग को सुपीरियर और निचले भाग को इन्फीरियर, ठीक है। अब अगला है आगे वाला भाग, यहां देखेंगे आगे वाला भाग वो कहलाएगा आपका एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका एंटीरियर, और पीछे वाला भाग पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। आपने देखा आगे वाले भाग को हमने बोला एंटीरियर, पीछे वाले भाग को हमने बोला पोस्टीरियर, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे बिल्कुल एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कैसा क्वेश्चन आएगा कि स्टर्नम बोन, स्टर्नम हड्डी हमारे शरीर के हृदय के कहां स्थित होती है, भाई आगे होती है एंटीरियर, ठीक है। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा है, बच्चा खड़ा है, उसके सामने फुटबॉल रखी है, तो फुटबॉल कहां रखी हुई है, एंटीरियर भाग में रखी हुई है। इसलिए क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं हम, ये आपने देखा, फिर अब देखेंगे शरीर का राइट और लेफ्ट वाला भाग, है ना, शरीर का लेफ्ट राइट और लेफ्ट वाला भाग कैसे आप देखेंगे। सपोज ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये शरीर का ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये तो क्या हो गया हमारा दाएं, ठीक है, ये बाएं। तो दाएं वाला भाग
और बायां वाला भाग, दोनों साइड वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेटरल, लेटरल, लेटरल कहते हैं इसको। और जो दायां वाला भाग होता है राइट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, इस राइट वाले दायां वाले को बोलते हैं हम डेक्स्टर, डेक्स्टर। आप देखेंगे डेक्स्टर, ठीक है ना। और बाएं वाले को बोलते हैं हम लोग साइनेस्टर, साइनेस्टर। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप देखेंगे आपके किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स आसान, यही क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि शरीर के राइट लेटरल भाग को क्या कहा जाता है, भाई डेक्स्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हम देखेंगे आगे। तो ये आपने देखा लेटरल भाग, ये कहलाता है लेटरल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नोट करते रहना है आपको। ये है डेक्स्टर, है ना, ये पूरा ठीक से लिख दूं मैं डेक्स्टर। ठीक है, आगे चलने की जरूरत है, अब इसके आगे देखेंगे आप नेक्स्ट। अब क्या होता है, यहां आपको देखना है ये हथेली वाला भाग है, हथेली दिख रही है आपको, हथेली इस पाम वाले साइड को, मतलब हथेली, हथेली, हथेली वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम लिखेंगे पामर, पामर। और हथेली का पिछले वाला भाग, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हथेली के, हथेली का पिछला भाग, हथेली का पिछला भाग, हथेली के पिछले भाग को हम कहेंगे डॉर्सल, डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल। आगे चलते हम, हथेली का पिछला भाग डॉर्सल। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो हमारा पैर का तलुआ है, तलुआ, पैर के तलुए को आप देखेंगे, पैर के तलुए को, पैर के तलुए को, पैर का हमारा तलुआ, पैर का तलुआ, राइट। तो अब पैर का तलुआ देखेंगे हम, पैर का जो तलुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्लांटर। अब देखेंगे प्लांटर, और पैर के ऊपर फुट वाले भाग को हम बोलेंगे, पैर के तलुआ होगा तलुआ का अपोजिट, तलुआ के विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत वाले भाग को हम बोलेंगे डॉर्सल। सेम ये डॉर्सल लिखा हुआ है आपके सामने, डॉर्सल। ठीक है, तो डॉर्सल देखो यहां भी यूज हुआ, तो ये डॉर्सल जो है तीन जगह यूज होता है, एक तो आपने ये देखा, नंबर दो इधर देखा। अब यहां देख ध्यान देना है, जो शरीर के अंदरूनी अंग हैं, अंदरूनी अंगों को क्या बोलते हैं, नोट कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, अंदरूनी, शरीर के अंदरूनी अंग को हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन, यहां देखना है, अंदरूनी, अंदरूनी जो हमारे आप देखेंगे अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी अंग, अंदरूनी अंगों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसरल, VISCERAL, विसरल ऑर्गन। ठीक है, अंदरूनी अंगों को विसरल ऑर्गन, जितने हो गए, हृदय हो गया आपका, गोल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, आंते हो गई, आपका आमाशय हो गया, सब विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। इस विसरल ऑर्गन का आगे वाले भाग को, अंदर मैंने क्या किया, हमारे शरीर के अंदर ही फेफड़े उठाए हमने, फेफड़े का जो अगला वाला भाग होता है उसको हम आगे वाले भाग को, अंदरूनी अंगों के
आप देखेंगे आगे वाले भाग को आगे वाले को और पीछे वाले को। आगे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रल और पीछे वाले भाग को बोलते हैं डॉर्सल। वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल का हिंदी लिख दिया मैंने, ये देखिए आप वेंट्रल, ठीक है वेंट्रल डॉर्सल। तो डॉर्सल आप देखेंगे दो, एक दो और एक तीसरी जगह ये भी आ गए, यहां पर भी आ गए, ठीक है। अब आप एक अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या है, ठीक है। देखो मैं स्टार्ट कर दिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, बढ़ते जा रहा हूं मैं, मतलब मुझे 10 से 15 दिन के अंदर बीपीएससी को खत्म कर देना इस मैराथन क्लासेस के आधार पर, ठीक है। मैराथन क्लास के आधार पर मैं पूरे प्रश्न को लेते हुए चले चले जाऊंगा एक साइड में। उसके बाद आप देखेंगे आप कि अगर हम, मैं हाथ को हथेली को ऊपर की तरफ रखता हूं आसमान की तरफ करके ऐसे हथेली को, तो इसको हम बोलते हैं, देखो यहां देखेंगे हथेली को ऊपर, ऊपर मतलब आसमान की तरफ, आसमान की तरफ रखते हम तो उसको हम बोलेंगे सुपाइन पोजीशन, सुपाइन, तो सुपाइन, ठीक है। यहां देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको हम बोलेंगे सुपाइन। सुपाइन, या किसी बच्चे को पीठ के बल लेटा दीजिए, पीठ के बल लेटना, यहां देखेंगे पीठ, यहां देखेंगे आप किसी बच्चे को हमने कहा पीठ, पीठ के बल, उसको भी हम सुपाइन बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। जिसको हम पेट के बल लिटाते हैं, पेट के बल। अब देखो हथेली का ऊपरी भाग ऐसे किया था मैंने, अब हथेली को नीचे जमीन की तरफ, हथेली को नीचे, आप देखेंगे हथेली को, हथेली को आपने क्या किया, हथेली को नीचे की तरफ किया, हथेली को नीचे, हथेली को नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलाइन, प्रोलाइन, क्या बोला हमने इसको, प्रोलाइन, या हम बोले किसी बच्चे को हमने पेट के बल लिटा दिया, पेट के बल, तो उसको बोलेंगे हम प्रोलाइन, प्रोलाइन बोल लीजिए, या इसको बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक है प्रोनेशन। मुझे मालूम है कि बीपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए मैं उस स्तर पर चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे क्या बोलेंगे आप इसको, प्रोनेशन, प्रोनेशन, आप यहां देखेंगे इसको हमने क्या बोला, प्रोनेशन, तो ये क्या हो गया, आप देखेंगे प्रोनेशन, नोट करते चलना एकदम इसको। बस एक और चीज बची हुई है इसके अंदर, फिर हम आगे आएंगे कोशिका के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ठीक है। और हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, जो बीपीएससी का लेवल, तो वहां तक पढ़ने की हम प्रयास में रहेंगे। अब आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट है प्रोनेशन, क्लियर हो गया। अब हमारे शरीर के अंदर दो एक जैसे अंग हो उनको हम बोलते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दो एक समान अंग। अब भैया दो एक समान अंग क्या है, दो आंखें एक जैसी हैं, दो नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल बोलेंगे, नोट कर लेने की जरूरत है, ठीक है।
वही कोई चीज एक ही है सिंगल, उसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल। और इस बाइलैटरल को हम सिमेट्रिकल भी बोलेंगे, सिमेट्रिकल। यूनिलैटरल ये क्या हो गया आपका, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस खत्म हो गई। एक और चीज है, ये ध्यान देंगे सभी मेरी तरफ, जब हथेली सामने की तरफ ऐसे करके रख रहे हैं इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। आपने देखा होगा स्केलेटन देखा होगा ऐसे ही खड़ा रहता है, जिसकी हथेली ये देखिए, इसको मैंने ऐसे घुमा लिया साइड में लगा दिया ये, तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल पोजीशन। नोट कर लेना है फंडामेंटल पोजीशन, फंडामेंटल स्थिति। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत स्थिति, ठीक है भाई। एनाटॉमिकल स्थिति के लिए हाथ हथेली आगे, फंडामेंटल के लिए ऐसे, ठीक है आगे चलते हम। तो ये आपको एनाटॉमी की जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया, क्या पोजीशंस होती हैं। आगे हम चलते हैं इसके अंदर, आप देखेंगे नेक्स्ट हम सेल को लेते हैं। आप यहां देखेंगे सेल, कोशिका, कोशिका। आप देखें कोशिका, कोशिका क्या होती है, मानव शरीर के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नोट कर लेना है क्या होता है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ध्यान देंगे आप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्या हो गया, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आगे देखते हैं हम तो हमारे शरीर के अंदर ध्यान देना है, जितने भी अंग हैं सब में कोशिका है, सब के अंदर कोशिका है, ठीक है। और वो इकाई है उसकी, अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, ध्यान देने की जरूरत है कि सेल किस सिस्टम का भाग है। जब मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि कोशिका जो है हर अंग में पाई जाती है, तो भाई सभी सिस्टम का भाग है, नंबर वन चीज। वो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें सिस्टम खोल रखे हैं उन्होंने, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी सुन लेंगे मेरे को, कि कोशिका जो है वो सभी सिस्टम में पाई जाती है। और मेन कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका क्या करती है, ऊर्जा बनाने का कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें ऊर्जा बनती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सेल क्या होता है, सेल हमारा एनर्जी सिस्टम का भाग होता है, एनर्जी सिस्टम का भाग होता है, ठीक है। जिसको कि हम पूरे रूप से क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेलुलर एनर्जी सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है ना, सेलुलर एनर्जी सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ सेल, आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब आप देखेंगे सेल के ऊपर अगला जो चीज आती है कि हमारा जो सेल है, कोशिकाएं जो हैं, उस कोशिका के बारे में थोड़ा सा ये और जानने की जरूरत है कि
कोशिकाओं से जुड़ा हुआ, कोशिकाओं से जुड़े हुए जितने भी हमारे अंग होते हैं वो शरीर के पूरे अंग होते हैं। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझना है, नोट करने की जरूरत है कि पहली बात हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ठीक है, हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं इसको, कोशिका के अंग को हम कहेंगे हम इसको साइटोलॉजी। हम यहां देखेंगे साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, साइटो का मतलब कोशिका। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब ऐसे ही स्टडी ऑफ बोन्स मतलब अस्थियों, अस्थियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं सर तो सीधे लाइव पढ़ा ही रहे हैं, फिर हमने ऐप क्यों ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में उन सभी बच्चों के लिए है जिनको पता नहीं है, उनके लिए हमने ये क्लास लाइव रखी है कि उनको पता पड़ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे ऐप के ऊपर असंख्य वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन सेशन है जिसको कैप्सूल क्लासेस, क्योंकि मेरी क्लास कैप्सूल क्लासेस के नाम से बहुत फेमस है। उस कैप्सूल क्लास में अनगिनत क्वेश्चन सेशन है, जब क्वेश्चन सेशन कोई करता है तो पूरे टॉपिक के टॉपिक क्लियर होते चले जाते हैं और स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है एग्जाम से पहले, क्योंकि आप देखेंगे जहां आपको लोग मिलेगा बताएगा सर हमने श्याम नारायण सर की कैप्सूल क्लासेस अटेंड की थी हमने। ठीक है, आगे देखते हैं हम, तो आपने स्टडी ऑफ बोन्स लिख दिया, अब आता है स्टडी ऑफ जॉइंट। स्टडी ऑफ जॉइंट देखिए, ये मैं पॉइंट सेल्स जैसा पढ़ा रहा हूं उसके अंदर ये लेके आ गया मैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, अब स्टडी ऑफ जॉइंट, इस पे पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ गया जॉइंट्स के ऊपर, तो क्या बोलते हैं आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी ठीक है, आर्थोलॉजी जॉइंट्स के अध्ययन को। ठीक है, उसके बाद आता है मसल, मांसपेशियों के अध्ययन को, मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी अब क्या है भाई, ये जो मायो वर्ड दिख रहा है मायो, ये जहां भी शब्द आपको लिखा मिल जाए समझ लेना मांसपेशी की बात कर रहा है, ये सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, मांसपेशी की बात कर रहा है ये। ठीक है, मसल की बात कर रहा है, जैसे क्या है मायोपैथी मतलब मांसपेशी जो रोग होते हैं उसके अध्ययन को मायोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मायोडाइनिया मांसपेशी में दर्द होता है, तो आपने देखा मायो इलेक्ट्रोमायोकार्डियोग्राम, मायो लग गया वहां पर वर्ड। हाँ, अगर मांसपेशी की कोशिका की बात करी जा रही है, मांसपेशी की कोशिकाओं की जब बात की जाती है तो कायदे में क्या होता है फाइबर, क्या होता है फाइबर, है ना, फाइबर जिसको हम क्या बोलते हैं तंतु, तंतु। ठीक है, फाइबर का मतलब तंतु, तो अब यहां देखेंगे जब इसकी बात की जाएगी तो जब मांसपेशी के
कोशिका की जब भी अध्ययन की बात करी जाएगी तो वहां पर ध्यान रखना, वहां वर्ड जो मिलेगा वो लगा मिलेगा सार्को, याद रखना सार्को वर्ड आएगा, जैसे सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, ध्यान रखना सार्कोमियर, वहां सार्को वर्ड लगा मिलेगा आपको सार्को, ठीक है। तो ये मसल आपने देखा मसल्स का। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर अगला हम करते हैं, हम सीधे सीधे आते हैं क्योंकि जो कॉमन वर्ड यूज हो रहे हैं कॉमन, तो स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का मतलब गुर्दे, गुर्दे, गुर्दे के अध्ययन को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और लिंकअप, मैंने बोला याद करने के तरीके बताते चले जाऊंगा मैं, ये देखिए मैंने सार्को बताया, सार्को से कौन कौन से वर्ड निकले थे मैंने ये बताया भाई, सार्कोलॉजी, सार्कोलीमा, ठीक है, सार्कोमियर, ये जो मैंने सार्कोमियर लिखा है ये सार्कोमियर नोट कर लेना है, सार्कोमियर क्या होती है, मांसपेशी की इकाई होती है, सार्कोमियर मांसपेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, सार्कोमियर ये जो लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है सार्कोमियर, मांसपेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, और इसको क्या बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया इसके लिए, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, मांसपेशी की कॉन्ट्रेक्टाइल इकाई सार्कोमियर, नोट करते चलना है इस चीज को। मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जिन पे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास में हम आलतू चीज कुछ बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने अपने उस पर लिखा हुआ है कि 100% है ना संभावित प्रश्न, अब देखेंगे। अच्छा, अब जब गुर्दों की बात करते हैं तो गुर्दे की इकाई, किडनी की जो इकाई होती है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई गुर्दे की, मतलब किडनी की, उसको हम क्या बोलते हैं, नोट करने की जरूरत है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नेफ्रोन, नेफ्रोन, NEPHRON, नेफ्रोन, नेफ्रोन, ये हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे काफी बच्चे भाई देखो हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदी का पक्का ध्यान रखना है, मगर एक और चीज ध्यान रखना है, इस सार्कोमियर की हिंदी में ढूंढने लग जाइए आप, वहां हिंदी में सार्कोमियर लिखा आएगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट, ये देखा आपने, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पर और, मैंने क्या बोला सार्कोमियर बोला, मैंने सार्कोमियर को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल इकाई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संकुचीय इकाई, संकुचीय इकाई। भाई ये कॉन्ट्रैक्टाइल इकाई क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या बनाया, ध्यान देने की जरूरत है, इससे बनी हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, जो किसने दी, एच ई हक्सले ने दी, एच ई हक्सले, आप देखेंगे एच
हक्सले ने दी, ये एच ई हक्सले ने दी। क्वेश्चन कई बार आ गया है एग्जाम में, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीछे आपने देखा, पिछले पेज फिर से आए हम, कि मैंने बताया कि भाई सार्कोलॉजी, सार्कोलीमा, सार्कोमियर, ये तो मांसपेशी की इकाई कौन सी हुई हमारी, हमने किसको बोला मांसपेशी की इकाई, सार्कोमियर को, ये रहा, जिसको कि कॉन्ट्रैक्टाइल इकाई भी कहते हैं हम। जब मैंने गुर्दे की बात की, इसको बोला नेफ्रॉन, गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन। ठीक है, अब जब इकाई की बात हो रही है, तो यहां पर फिर एक पॉइंट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, वो देखने की जरूरत है आपको, कि एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कई एग्जाम्स के अंदर, वो क्या है, यहां देखेंगे आप, ई एम जी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मायोग्राम लिख लीजिए या ग्राफी। भाई जब ग्राम आता है, ग्राम का मतलब होता है मशीन, और ग्राफी का मतलब पेज, पेपर पे निकलने वाला ग्राफ। तो ये क्वेश्चन आया है, और क्या आया है, यहां फिर लिखना है आपको, ई सी जी इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम या ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी, आप देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, एक आता वर्ड ई ओ जी, अब इनका मतलब ही समझा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रो मायो, मायो मैंने बता मांसपेशी, कायदे में ध्यान रखना, पहले आप नोट कर लीजिए उसके बाद बता रहा हूं मैं, ई ओ जी। अब देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, सेल पढ़ रहे थे, उससे इंटरलिंक होता चला गया। ये एक पढ़ने का तरीका है, जितने भी सिविल सर्विसेज की भी जो तैयारी करते हैं वो इसी तरीके से क्या करते हैं, टॉपिकों को लिंक करके पढ़ते हैं, अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं वो लोग कि बाय द वे कोई एक चीज भूल जाए तो उससे लिंकअप करके वो चीज याद आ जाती है एकदम, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने देखा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी बोला इसको इन्होंने, फिर आप देखेंगे ईओजी, ईओजी का फुल फॉर्म हो गया, ये इलेक्ट्रो तो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, ओ से ओकिलो, ओकिलो ग्राम या ग्राफी। भाई मायो से मतलब तो क्या हुआ, इस मायो से मतलब हुआ हमारा किसका, यहां ध्यान देंगे आप, मायो से मतलब हुआ हमारा, मायो से मतलब हुआ हमारा किसका, सीधे सीधे मांसपेशी का, इसका क्या हुआ मांसपेशी, कार्डियो का मतलब हृदय, ओकुलो का मतलब आंखें। अब एक आता है, अब ध्यान देंगे आप यहां पर, कि ई ई जी, ये हो गया आपका इलेक्ट्रो, और दूसरे ये जो ई बीच में है इससे मतलब वो एनसीफेलोन, ग्राम या ग्राफी। एनसीफेलोन क्या होगा, ये मस्तिष्क का तकनीकी नाम है, साइंटिफिक नेम मस्तिष्क। तो आप देखेंगे एनसीफेलोन क्या है, मस्तिष्क। अब बात ये क्या लिखा है भाई, 1 2 3 4 मैंने लिखे, क्योंकि इस पे चार पे क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। ठीक है भाई, ईएमजी नोट कर लेना, मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को मापता है ये यंत्र। अब क्रियात्मक इकाई का मतलब विद्युतीय आवेग, नोट कर लेना है, क्रियात्मक इकाई के बगल में आपको क्या लिखना है, देखना है, क्रियात्मक इकाई के बगल में आपको लिखना है
मैंने क्या बोला, मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई, और उसके ब्रैकेट में लिख देना है आपको क्या, विद्युतीय आवेग, विद्युतीय, विद्युतीय आवेग, विद्युतीय आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्या बोलेंगे इसको हम, यहां देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो मैं तो परिभाषा बता रहा था कि भाई जो हमने नंबर वन देखा आपने, कि इसको क्या बोला इन्होंने, यहां देखने की जरूरत है कि ईएमजी का मतलब मांसपेशी, ये यंत्र मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई, ब्रैकेट में लिख दिया विद्युतीय आवेग को मापता है। भाई सपोज मुझसे किसी ने कहा दोनों हाथ उठाइए, तो हाथ उठाने में, दोनों हाथ उठाइए, कान में मेरे आवाज गई और मस्तिष्क में पहुंची, मस्तिष्क से मोटर नर्व लेके हमारी कहां तक आई, हमारी मांसपेशी पर संदेश लेके आई, किसके माध्यम से, विद्युतीय आवेग के माध्यम से। तो मुझे कितना समय लग रहा हाथ को उठाने में, या कितना बल लगा पा रही है मांसपेशी। आपने तो बोला ना, सुना होगा लोगों ने, आपने सुना होगा कि इसकी मसल डेड हो गई, सुना आपने। मसल डेड का मतलब क्या हुआ, कि उसकी जो विद्युतीय आवेग जो आ रहे थे वो आने बंद हो गए। तो उसको यंत्र ये मापता है। वहीं आप देखेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमारे हृदय के विद्युतीय आवेगों को मापता है। आपने सुना होगा जब विद्युतीय आवेग, इसकी हमारे हृदय की बात की जाती है, तो आपने देखा होगा हृदय के अंदर हम क्या देखते हैं, हम हृदय के अंदर सीधे सीधे हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस टी वेव को देखते हैं। नोट कर लेना है, पी क्यू आर एस टी वेव को देखते हैं। आपने देखा होगा, आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सब पढ़ाया जाएगा आपको कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है, विद्युतीय वेग, तरंगे बनती हैं, उसको मेजर कर रहा है ये ईसीजी। उसके बाद आता है ईओजी, इलेक्ट्रो ओकिलो ग्राम या ग्राफी। अब ये ओकिलो मतलब आंख से क्या मतलब है भैया, आंख के अंदर, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इस चीज को। दो प्रकार के सेल होते हैं आंख के अंदर, दो प्रकार के सेल होते हैं, नोट करने की जरूरत है। एक को बोलते हैं हम रॉड सेल, आर ओ डी, रॉड सेल, और दूसरे को बोलते हैं हम कॉन सेल। इन दो पे भी क्वेश्चन कई बार आया है, भाई रॉड सेल कॉन सेल क्या है। ध्यान देखना, ये जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल आपको अंधेरे और उजाले, ठीक है, मैं अगले इस पे फ्लाइट पे लिख देता हूं मैं इसको, आप देखेंगे रॉड सेल जो होता है, रॉड सेल ये अंधेरे व उजाले मैं फर्क करना बताता है रॉड सेल। अचानक से लाइट बंद कर दूं मैं, अंधेरा हो जाएगा, तो कौन बताएगा, रॉड सेल बताएगा। बट बताएगा कैसे, वो सीधे हमारे मस्तिष्क के, ध्यान रखना, सेंसरी नर्व, नोट कर लेना यहां पर एक चीज और नोट कीजिए आप, सेंसरी नर्व, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम के अंदर। सेंसरी नर्व, हिंदी में बोलते हैं इसको संवेगी तंत्रिका, संवेगी तंत्रिका, संवेगी हमारी क्या है, संवेगी तंत्रिका, यहां देखना है आपको, नोट कर लेना है, संवेगी तंत्रिका, तंत्रिका, राइट, संवेगी हमारी क्या हो गई है, तंत्रिका हो गई है, यहां पर नोट कर लेना है, संवेगी तंत्रिका, संवेग, भाई संवेग किसके कहते हैं, सेंसरी, सेंसरी का मतलब इंद्रियां, हमारी इंद्रिय कितनी होती है, पांच,
आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ये पांच इंद्रियां होती है, ये पांच सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे आर सेंसरी ऑर्गन्स। पांच हमारी क्या है, क्या है? संवेगी अंग हैं। अब इन संवेगी अंग से जो संदेश आ रहा है हमारे कहां पर, मस्तिष्क तक, वो कौन लेके आ रही है? संवेगी तंत्रिका, या बोलेंगे सेंसरी नर्व लेके आ रही है। तो मैं जब बात कर रहा हूं, भाई अचानक से अंधेरा हुआ, आंख के सामने अंधेरा था, तो आंख से सीधे मस्तिष्क तक जो लेके जाएगी सेंसरी नर्व, और वापस जवाब जो लेके आ रही है उसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे उसको हम? उसको कहेंगे हम मोटर नर्व। भाई अब एक और चीज समझ लेना, यहां पर इस मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का मतलब होता है मांसपेशी, नोट कर लेना, मसल। मोटर का मतलब क्या होता है? मांसपेशी। तो भाई मोटर नर्व मतलब मस्तिष्क से मांसपेशी तक जो जवाब लेके आ रहा है उसको मोटर नर्व कहते हैं। तुरंत मोटर नर्व दिया कि भाई एकदम चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत, चोट लग जाएगी आपको। ये कौन बता रहा? मोटर नर्व बता रही। तो रॉड सेल अंधेरे उजाले में फर्क करना बताता है। अब जैसे लाइट गई तो अंधेरे, आंख की जो नर्व है रॉड सेल से, जो तंत्रिका जा रही है रॉड सेल से, उससे जा रही है तंत्रिका सीधे मस्तिष्क के हमारे कहां पर जा रही है? आंखों से संबंधित क्षेत्र में जा रही है। आंखों से संबंधित क्षेत्र हमारे कहां पर होता है मस्तिष्क के अंदर? पीछे होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑसिपिटल कहते हैं, नोट कर लेना। आंख से या देखने से संबंधित हमारे मस्तिष्क के अंदर क्षेत्र जो होता है ऑसिपिटल होता है। OCCIPITAL, ऑसिपिटल होता है। इसने देखा होगा, कभी भी बोलते हैं बच्चे के यहाँ हाथ मत मारो, देखा होगा, सुना है? टीचरों से बोलते हैं गार्जियन, भाई बच्चे के मेरे यहां मत मारना। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑसिपिटल है, इस पे एक बार हाथ से जोर से मार लेना आपके आंख के सामने अंधेरा सा छा जाएगा। ठीक है, ऑसिपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल का क्या टेक्निकल नाम क्या बोल रखा है हमने? हम स्कल कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? देखेंगे हम, उसको बोलते हैं हम स्कल कैप। स्कल कैप, खोपड़ी का ढक्कन, कैप। तो आपने देखा मांसपेशी, मोटर नर्व, मांसपेशी तक जवाब लेके आ रही है वो कि भाई हिलो मत, हाथ मत हिला देना, चोट लग सकती है आपकी, राइट। दूसरा जो सेल होता है वो होता है कॉर्न सेल। कॉर्न सेल मैंने देखो यहां पर लिखा हुआ था, आप यहां देखेंगे क्या लिखा था, अंधेरे उजाला रॉड सेल, और कॉर्न सेल क्या होता है? जो आपको रंग का वर्गीकरण करता है, रंगों का वर्गीकरण, रंग से संबंधित है। तो आप देखेंगे रंग से संबंधित कौन सेल क्या करता है? रंगों से संबंधित, रंगों से संबंधित वर्गीकरण। भाई आपको लाल दिख रहा है, नीला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये कौन बताता है? कौन सेल। याद करने का तरीका देखिए कितना आराम से। कौन सेल में क्या है हमारा? सी, सी फॉर कलर, बस खत्म। भाई दो सेल होते हैं, रॉड सेल, कौन सेल। कौन सेल सी से है, कलर से है। रॉड सेल ऑटोमेटिकली अंधेरे उजाले से हो गया, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो आपने देखा, मैं पीछे फिर चलता हूं, मैं वहां पर, ये मैंने नर्व बता दी, सेंसरी नर्व, सेंस को लेके, पांच इंद्रियों से सेंस को लेके मस्तिष्क तक, मस्तिष्क के निर्धारित केंद्रों तक लेकर कौन आती है? सेंसरी नर्व आती है, उसका जवाब वापस मांसपेशियों तक मोटर नर्व लेके जाती है। एक और चीज यहां नोट करना है, ये उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस सेंसरी नर्व को और दूसरे किस टेक्निकल नाम से जाना जाता है? तो आप यहां पर नोट कर लें कि सेंसरी नर्व को जो दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो नाम है आपका एफरेंट नर्व। देखेंगे आप, A डबल F
E-R-E-N-T, एफरेंट नर्व। नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एफरेंट नर्व। और वही मोटर नर्व को हम क्या बोलते हैं, इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट नर्व। भाई कई हिंदी वाली हिंदी भाषी जो बच्चे बैठे हैं वो बोलेंगे सर इसको हिंदी एफरेंट, ये देखिए हमने लिख दिया एफरेंट, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट, एफरेंट, और इसको बोलेंगे इफरेंट, इफरेंट, ठीक है, इफरेंट। हाँ मैं देख रहा हूं करीब अभी हमारी क्लास को 782 बच्चे देख रहे हैं, 782 बच्चे देख रहे हैं, और मैं आपके मैसेज को नहीं देख रहा हूं, तो क्योंकि मैसेज देखूंगा तो मेरा मोमेंटम बिगड़ जाएगा, वो पढ़ाने का वो मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों के पास समय कम है और कम समय में बहुत अधिक पढ़ना है ना। तो आपने देखा कि हमने बताया इसको इतना अभी, ठीक है आगे देखते हैं हम। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। तो एफरेंट इफरेंट समझ में आ गया। अब देखो जब एफरेंट इफरेंट का नाम आ गया तो भाई यहां पर एफरेंट इफरेंट एक जगह और यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है वो समझना जरूरी है, नोट कर लेना। एफरेंट डिफरेंट एक जगह और यूज होता है, ठीक है, वो आप देखेंगे कि एफरेंट डिफरेंट कहाँ यूज होता है, यहां पर देखने की जरूरत है। नेक्स्ट ये देखेंगे आप एफरेंट और ई फ्रेंड, देखो मेरे पढ़ाने का वे हमेशा क्या है, लिंक कर दूंगा आपको कि आप और सब इंपॉर्टेंट चीजें अभी जो जो बोर्ड पे आपने उतारा है, अभी तक मैंने जितना उतारा है सब पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और बीपीएससी लेवल के एग्जामों में आया है, ठीक है। ये मैंने बोला कि एफरेंट इफरेंट एक जगह और यूज होता है। एक एफरेंट मैंने क्या बताया कि सेंसरी नर्व को एफरेंट बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये देखिए एफरेंट सेंसरी के लिए यूज होता है, सेंसरी नर्व के लिए यूज होता है, इफरेंट हमारा मोटर नर्व के लिए होता, और ये आप देखेंगे सेंसरी मोटर के लिए एफरेंट यूज होता है, और एक जगह और यूज होता है वो भी मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको, वो देखेंगे आप कि ये और कहां यूज होगा। ये आप यहां देखेंगे कि ये हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो रक्त लेके आती है, ध्यान देंगे ना, जो रक्त लेकर आती है किडनी तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो लेके वापस जाती हैं मतलब जितना हमारा इंटॉक्सिकेंट मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, नोट कर लेना यहां पर, हमारा किडनी किसको छानती है, नोट करना है पॉइंट कि हमारी किडनी जो है छानती किस किस को है, वहां पर देखेंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और लैक्टिक एसिड, ये हमारे क्या होते हैं, विषैले पदार्थ हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसके ऊपर कि हमारे गुर्दे किसको छानते हैं, इनको छानते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अधिक विषैला जो होता है वो अमोनिया, आजकल देखा होगा सुना होगा लोगों ने कि भाई उसकी किडनी खराब हो गई, क्यों, कि किडनी क्रिएटिनिन को नहीं छान पा रहा, क्रिएटिनिन को। तो मैंने यहां क्या लिखा, एफरेंट आर्ट्रियोल
रक्त को लेके आता है, जिस रक्त में ये चार पांचों चीज मिली रहती है वो किडनी तक लेके आती है। किडनी इसको छानती है, किडनी के नेफ्रॉन उसको छानते हैं, छनने के बाद वही रक्त वापस हमारे हृदय की तरफ जाता है। वो किससे जाता है? वो आपका जाएगा, ये देखेंगे आप, इफरेंट, इफरेंट आर्टियोल के माध्यम से जाता है। ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो आपने क्लियर देखा, क्लियर हो गया, यह चीज समझ में आया। ये अभी मैंने कितनी चीज लिखी है, एक दो तीन चार और यहां पर पांच, नौ चीज लिखी है इस बोर्ड पे। इन नौ चीज पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। एक्शन में ये क्या चीज है, ये पांच जो चीज लिखी गई है, ये प्रोटीन के अंतिम उत्पाद है, नोट कर लेना है, प्रोटीन के मेन। देखा, डॉक्टर मना करता है कि किडनी के नेफ्रॉन काम करने बंद, बोलता प्रोटीन मत खाइए, आप दाल मत लीजिए, बंद कर देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये आता है मेन, याद रखना, मेन जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, वो है हमारा क्या, वो हमारा है, आप यहां देखेंगे कि वो हमारा है ये यूरिया। इस पे क्वेश्चन आया, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया, नोट कर लेना आपको, ठीक है, नोट करने की जरूरत है। ठीक है, अब याद करने का तरीका यहां देखिए, इसको याद करने का तरीका, एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है, तो एफरेंट का मतलब सीधे सीधे पहले ये काम करेगा और इफरेंट बाद में करेगा। पहले इनको लेकर रक्त के माध्यम से गुर्दों तक एफरेंट आर्टियोल लेके आएगा, ठीक है, और जब वो रक्त छन जाएगा वापस हृदय तक लेके कौन जा रहा है? इफरेंट जा रहा है। एक्चुअल में अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो होता क्या है, इस तरीके का होता है, एफरेंट आर्टियोल का व्यास, ये क्या है व्यास, ये देखेंगे किडनी, इसमें रक्त आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, ये रक्त आ रहा है, ठीक है, इस रक्त के अंदर ये मिले हुए हैं ये। उसके बाद यहां से जो इफरेंट होती है, इफरेंट आप देखेंगे, इफरेंट जो आर्टियोल होती है वो इससे इसका डायमीटर कम होता है, यहां देखेंगे ऐसे होता है, तो सोचने की बात है ये प्रेशर कितना देगा, उससे ये रक्त छन छन के निकलने लग जाता है, ठीक है। दूसरा आपको मैंने बताया यहां पर कि यहां देखेंगे किस सेंसरी, सेंसरी नर्व को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं, ए डबल है। पहले दिमाग तक भैया कुछ भी चीज होगी, सब कुछ, बंदूक की गोली चली तो बंदूक की गोली कान में गई, कान से मस्तिष्क तक पहुंचेगी, कौन लेके जा रहा है, ए वाला, एफरेंट वाला, ए, एबीसीडी में ए पहले आता है, ई बाद में आता है, वापस कर जवाब देखे कि तुरंत कान में, मतलब गोली की आवाज मेरे कान से बस्ती में गई तो मैं तुरंत क्या होगा, मोटर नर्व लेके आएगी जवाब, तुरंत मैं ऐसे करके देखूंगा, मैं जब ऐसे देखूंगा तो कौन कर रहा है काम, हमारा इफरेंट, ई डबल एफ ई आर ई एन टी, कर याद करने का तरीका है। आगे चलते हैं हम लोग, तो हमने जब सेल की बात कर रहे थे, हम इससे पिछले स्लाइड पे आते हैं हम लोग, पिछले स्लाइड पे मैंने बोला ई ओ जी रॉड सेल, कॉर्न सेल, ये दोनों सेल हमारे आंखों से होते हैं, क्या काम करते हैं मैंने बताया, यहां से सेंसरी नर्व लेके मस्तिष्क तक जाती है। तो इस कॉर्न सेल और रॉड सेल से जो तंत्रिका जा रही है हमारे मस्तिष्क तक, उसके एक्शन पोटेंशियल को हमने क्या लिखा, देखेंगे उसके एक्शन पोटेंशियल को, हमने पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था ये देखेंगे कि उसके एक्शन पोटेंशियल को, क्रिया, क्रियात्मक इकाई, विद्युतीय आवेग को मेजर करने का वो यंत्र होता है ईसीजी, कौन सा होता है, ईओजी, ईसीजी तो हृदय के लिए हो गया, ये ईओजी। अब आता है ईईजी क्या है,
देखा होगा कईयों को याद नहीं आता है, ठीक है, कि कोई चीज बोला भैया याद करो कि आपने, आपकी सबसे मैडम पहली प्रिंसिपल कौन सी मैडम थी आपके स्कूल के अंदर, तो बच्चा सोचता है, सोचने में अगर बहुत टाइम लग रहा है, इसका मतलब ईईजी मतलब मस्तिष्क के जो विद्युतीय आवेग हैं वो स्लो हो रखे हैं। समझ में आया? तो मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई को मेजर करने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सीफालोग्राफी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे अगला देखते हैं। तो हम यहां तक पहुंचे, गुर्दे तक, नेफ्रॉन की बात आई तो मैंने काफी चीज आगे बताते चले गए। तो आप देखेंगे ये किडनी तक पहुंचे, हम आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा, आप देखेंगे, कार्डियोलॉजी। भाई कार्डियोलॉजी में क्या होता है? हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? हमारे हृदय का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, फिर कार्डियोलॉजी में आपने देखा कि हमने बोला है हृदय का बात की जाती है। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट आपका, हाँ भाई, क्रेनोलॉजी, जिसे मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क ब्रेन। ठीक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम, ब्रेन का, मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग यहां पर देखेंगे क्रेनोलॉजी के अंदर। फिर आप देखते हैं हम नेक्स्ट, हाँ सीरोलॉजी, जो रक्त के अंदर सीरम होता है, रक्त के सीरम का, रक्त के सीरम का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, सैरम बोलते हैं हम लोग, इसका अध्ययन किया जाता है, रक्त के सैरम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा कैरियोलॉजी। अभी आपने स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला? बोला हमने साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के अध्ययन को, किसके अध्ययन को? केंद्रक के अध्ययन को, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी बोलेंगे हम, ठीक है, कैरियोलॉजी। फिर देखेंगे आप हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को, टिश्यूज के, है ना, ऊतक मतलब टिश्यू, टिश्यूज के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे हम। ठीक है, ये देखा आपने। फिर हम आगे चलते हैं, इसके आगे हमारे फेफड़ों के अध्ययन को, मतलब लंग्स, निमोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? निमोलॉजी। निमोलॉजी तो
तो ये जो मेन मेन थी स्टडीज वो हमने बताई जो एग्जाम में आने की है और एग्जाम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं फिर से हम सेल के ऊपर। सेल पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो समझना है। पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने करी? यहां समझना है क्योंकि दो नाम आते हैं। एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन और दूसरा रॉबर्ट हुक। इसको याद करने का तरीका देखना है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक के अंदर आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि होता क्या है कि आप देखेंगे छोटा क्या है, ये छोटा सा सेल है और ये पूरा छोटा सा क्या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये पूरा हमारा क्या सेल है। तो छोटा कौन है? हमारा न्यूक्लियस केंद्रक। इसके अंदर देखेंगे रॉबर्ट, रॉबर्ट तो दोनों में कॉमन है, एक में ब्राउन लगा एक में हुक लगा है, तो ए बी सी डी में पहले कौन आता है? छोटे वाले के लिए आएगा बी। तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सेल की खोज करी। नोट कर लेना, याद करने का तरीका ही है, ठीक है। और आप देखेंगे कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, 1831 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की जब बात आती है तो हमारा क्या हुआ 1831, और रॉबर्ट हुक का बात करते हैं तो 1665, 1665, ये 1665 में इसने कर। तो भाई पहले तो सेल मिलेगा ना, पहले सेल मिलेगा, सेल के बाद फिर अंदर की खोज चालू हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपका? तो ये एक इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे क्योंकि ये सबको पता, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, बट भाई सेल की किसने खोज की थी, न्यूक्लियस की किसने की थी, वो क्लियर हुआ आपका? आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या है यहां समझने की जरूरत है कि हमारे यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है। ये क्या पूरा सेल है ना, और अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या सेंटर पे होता है, केंद्रक, केंद्र, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो दीवार दिख रही है ये है ना, ये क्या है? एक कोशिका की दीवार है। इसको आप देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका की दीवार, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कोशिका की दीवार, जिसको कि हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कोशिका की दीवार, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां देखना है कि इसके अंदर, यहां समझना है, इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है, ये जो कुछ भी भरा हुआ है अंदर सेल के अंदर, पूरी चीज 100% जो अंदर है इसके, किसके? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं, नोट कर लेना है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब जैव द्रव्य, उसको हम बोलते हैं जैव द्रव्य बोलते हैं इसको, ठीक है, जैव द्रव्य। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटोप्लाज्म लिखा है इसको साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, बिल्कुल गलत। इस सेल मेम्ब्रेन, दीवार के अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है, 100% अंदर जो है, 100% जो कुछ भी है, वो हमारा जैव द्रव्य कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, जैव द्रव्य कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, आगे चीज अब यहां देखने की जरूरत है, इस जैव द्रव्य को, ये जो जैव द्रव्य है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसी में न्यूक्लियस है, इसी में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, सब कुछ इसी के अंदर है। तो जो जैव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, याद रखना, इसको बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है कि जीवन, आप देखेंगे, जीवन का भौतिक आधार, सॉरी, जीवन का आप देखेंगे भौतिक आधार, भौतिक आधार किसको कहा जाता है, नोट कर लेना, क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में, जैव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्योंकि भैया सेल के अंदर जो इस दीवार के अंदर सब कुछ तो यही है, जो किसी सेल को क्या बोलते हैं हम भाई, किसी मानव या किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई तो होती है, ये तो झिल्ली है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को अगर हिंदी में आप देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली, आप देख, कोशिका झिल्ली, याद रखना, मेम्ब्रेन जहां वर्ड आता है इसका मतलब झिल्ली, इसका मतलब क्या होता है, और जहां प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा आता है, प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, इसका मतलब क्या होता है, द्रव्य, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ग्लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोले ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, GLANDULARSYSTEM। आगे देखते हैं हम, तो जीवन का भौतिक भौतिक आधार, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसको, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का जो खोज की गई, वो की गई 1835 में की गई, 1835 में की गई, 1835 में की गई, ठीक है ना। और अब होता क्या है, अगले इसमें दिखाता हूं मैं आपको, ये देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, सेल है, सेल की ये दीवार थी, हमने क्या बोला था इसको, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, राइट। अब बीच में हमने क्या बना दिया, यहां पर देखेंगे, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप देखेंगे इस न्यूक्लियस के अलावा, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप देखेंगे कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यहां देखना है आपको कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को हटा दीजिए, आप प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को हटा दीजिए, इसको बोलो भाई बाहर हो जा तू, तो इसके अलावा जो जगह बच रही है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो जगह बच रही है, कहने का मतलब ये देखिए, ये जो जगह बच रही है, ये
ये इसको छोड़ दीजिए, इस पूरी प्रोटोप्लास्ट के अंदर इसको न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, बाकी जगह बच रही है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, कायदे में तो अगर देखा है तो साइटोप्लाज्म किसको कहा गया, सीधे सीधी बात, साइटोप्लाज्म किसको कह रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं हम प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ठीक है, कईयों को डाउट था इसलिए थोड़ा सा समझाया मैंने इस चीज को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को भगा दीजिए, साइटोप्लाज्म बच गया। अब याद रखना, मसल सेल के, मांसपेशीय कोशिका के, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, मांसपेशीय कोशिका के साइटोप्लाज्म को आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, हम हाँ नोट कर लेना आप, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, मैं देख रहा हूं लगभग 1000 लोग अभी देख रहे हैं मुझे पूरे भारत से। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हैं, अगर कोई पाकिस्तान से अभी लाइव हो रखा है तो मैसेज कर सकता है अभी। ठीक है, तो ये देखा आपने, तो अब इसके बाद आप देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर, आप देखते हैं मैंने ये सेल बनाया। ठीक है, इसके अंदर बीच में मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, सबको पता है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद आप देखते हैं हम बाकी चीज़ें बनाते हैं, एक तरफ हमने क्या किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे रिक्तिकाएं, क्या होते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं, रिक्ति, ठीक है, रिक्तिकाएं। और क्या होगा इसमें, इसमें आप देखेंगे थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर ये होते हैं हमारे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे यूं रहते हैं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको हम ER भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही आप देखेंगे कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको देखेंगे आप कि इसके ऊपर ना ये चढ़े रहते हैं, मैंने पीले पीले रंग के बना दिए। ठीक है, बिंदी 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 से इनके ऊपर चढ़े रहते हैं ये सब, इनको हम क्या कहते हैं आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, पीले रंग का दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इसको मिटा के दूसरे कलर से ही लिख रहा हूं मैं, कि ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं हम। तो यहां आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। सबके बारे में कट शॉर्ट में बताऊंगा तुरंत एकदम में, पहले समझ लें इसको हम राइबोसोम्स, हिंदी में क्या लिखेंगे हम, ये लिखा मैंने राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे जो और अन्य, ये जो अब ध्यान देने की जरूरत है
ये जो अंदर प्रोटोप्लाज्म के भाग जो हैं, प्रोटोप्लाज्म के भाग, इन सब को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं हम, देखेंगे आप, ऑर्गेनेल्स। अंग्रेजी में ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और इसको आप देखेंगे, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं जैविक संरचनाएं। जैविक संरचनाएं कहते हैं इसको, ठीक है। अब कट शॉर्ट के अंदर देखना है, क्यों जल्दी खत्म करना है सेल को, तो भाई किसका क्या काम है, और इसके अंदर हमारे आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिख दिया, उसके बाद आपका इसी के अंदर हम बना देते कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम हो गया। और आप देखेंगे कि इसके अंदर लाइजोसोम के अतिरिक्त हमारे जो इसमें होते हैं वो आपको देखना है कि सेंट्रोसोम, यहाँ पर सेंट्रोसोम बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ देखेंगे आप, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम देखा आपने। उसके बाद और क्या होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, हमने बना दिए कुछ और, ये लिखा हमने गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये अब इनके बारे में आप समझेंगे कि भाई ये जो बीच में हमारा न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस क्या करता है, केंद्रक क्या होता है, कंट्रोलिंग बॉडी होता है, ये पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। दूसरी चीज, और न्यूक्लियस क्या करता है, सेल विभाजन में कार्य करता है ना। पहले ये क्लियर हो गया, मैं न्यूक्लियस पे लास्ट में आना चाहता था, उससे पहले आप समझने की जरूरत है। हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप देखेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये जो मेन पॉइंट देख रहे हैं आप इतने, यही मेन पॉइंट है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, हम इस माइटोकॉन्ड्रिया पे चलते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ठीक है, आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी नोट करना है अपन को, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो था कि आप यहाँ पर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब भी बात की जाती है तो इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, आप देखेंगे पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं इसको, बायो ब्लास्ट बोलते हैं, या इसको एटीपी का मील बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। कब करता है, नोट कर लेना है, एरोबिक एनर्जी, जब भी एरोबिक एनर्जी की बात की जाएगी, एरोबिक एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता। और क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान देते रहना, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। अब यहां देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे जो क्वेश्चन बन के आते हैं
एक तो भाई के क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके बाद कि भाई इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का किसने किया, रिचर्ड एल्टमैन ने किया, रिचर्ड एल्टमैन ने इसका आविष्कार किया। और आप देखेंगे रिचर्ड एल्टमैन ने इसका आविष्कार किया कब किया, 1886 में, 1886 में, ठीक है। तब इन्होंने रिचर्ड एल्टमैन ने इसे क्या नाम रखा था, बायोब्लास्ट रखा हुआ था। नाम क्या था, बायोब्लास्ट। रिचर्ड एल्टमैन ने इसको क्या बोला, बायोब्लास्ट के नाम दिया इन्होंने। और फिर आप देखेंगे 1898 में, कब, 1898 में, 1898 में एक और फिजियोलॉजिस्ट आए जिसका नाम था कार्ल बैंडा। इस कार्ल बैंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला, इसको नया नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। रिचर्ड एल्टमैन ने इसकी खोज की, उस समय इसका नाम रिचर्ड एल्टमैन ने क्या रखा हुआ था, बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट रखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कार्ल बैंडा ने 1898 में इसका नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ये जो पॉइंट बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी अनावश्यक पॉइंट नहीं बोला जा रहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये आपने देखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक एनर्जी में कार्य करता है, यहां समझना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एटीपी का मील बोला, भाई एटीपी क्या होता है नोट करना है, एटीपी होता क्या है यहां देखना है। एटीपी जो होता है आपका, यहां देखने की जरूरत है, एटीपी, उन्होंने क्या बोला, एटीपी, एटीपी का मतलब हुआ हमारा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इस पे बहुत क्वेश्चन बन के आता है, नोट करते चलना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लास को एकदम लिंकअप करते चले आ रहे हैं, जोड़ते चले आ रहे हैं एक दूसरे से, कि आपका मेन मकसद क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जाम क्लियर हो जाए बीपीएससी का, ठीक है। तो इसी तरीके से चलते जाइए। आप देखेंगे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। कल हम सवेरे मॉर्निंग के अंदर, कल भी हमारी सीधे मैराथन क्लास चलेगी ऐसे ही, वो चलेगी ठीक सवेरे 6 बजे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, 6 o'clock मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। अभी पहले यहां समझना है, अभी तो क्लास चलने दे इसको। को एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का क्या करता है, ये निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एटीपी का मील बोलते हैं हम इसको, एटीपी का मील बोलते हैं। एटीपी क्या होता है, ध्यान देने की जरूरत है कि एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि टूट के एनर्जी देता है, ये टूटता किस में, एडीपी में, प्लस पीआई बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट था, ये जो एडीपी आया, डी से क्या बना हमारा, आप देखेंगे डाई, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट हो गया। पीआई से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जितने भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एकदम मिस मत करना इस मौके को, बहुत अच्छा मौका बिहार सरकार ने दिया है आपको, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है ना। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल मत छोड़िए इसको, बता रहा हूं मैं इस मौके को। तो मैंने बताया कि एटीपी की, एटीपी मील होता है, एटीपी की फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि अगर आपने, यहां देखेंगे कि अगर आपने एनर्जी सिस्टम पढ़ा होगा, एनर्जी सिस्टम आप देखेंगे, एनर्जी सिस्टम पढ़ा होगा आपको, तो एनर्जी सिस्टम के अंदर दो भाग होते हैं। पहला आप देखेंगे एन एरोबिक एनर्जी होता है, नोट कर लेना इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एन एरोबिक, यहां दो वर्ड बने हुए देखेंगे, एन और एरोबिक,
हिंदी में बोलते हैं अनऑक्सीकृत, क्या बोलते हैं हम इसको, आप देखेंगे अब, अनऑक्सीकृत, अनऑक्सी, अनऑक्सीकृत। और एक होता है हमारा एरोबिक, एरोबिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीकृत। एनएरोबिक का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के। उसको बोलते हैं हम एन एरोबिक। एरोबिक का मतलब विद ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के। भाई क्या ऑक्सीजन के, कोई ये तो बोले भैया बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के क्या मतलब है, कि इसके अंदर क्या होता है, एन एरोबिक के अंदर जब ऊर्जा बनती है हमारी मांसपेशियों के अंदर, तो बिना ऑक्सीजन के खपत के वो ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन को उसको प्रयोग नहीं करता वो। और एरोबिक जो है ऑक्सीजन मिलेगी तभी ऊर्जा देगा। एक्चुअल में ये जो एनएरोबिक एनर्जी होती है वो लगभग आप देखेंगे लगभग बोलते हैं कि 40 से 50 सेकेंड तक ऊर्जा देता है, 40 to 50 सेकेंड। और इसके अंदर दो एनर्जी सिस्टम काम करते हैं, कौन कौन से नोट करना है आपको, एक एटीपी सीपी सिस्टम, जिसको कि हम फॉस्फोजन सिस्टम भी बोलते हैं, फॉस्फोजन सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा दूसरा सिस्टम, आप देखेंगे जब स्टार्ट करते हैं हम एनएरोबिक एनर्जी, एटीपी सीपी सिस्टम। मैं देखना चाहता हूं, लोगों का जवाब देखना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कि पहला तो एटीपी सीपी सिस्टम हो गया, उसके बाद जब ये एटीपी खत्म हो जाते हैं तो दोबारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम ध्यान देना है क्या बोलेंगे इसको हम, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, एक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी होता है और दूसरा आप देखेंगे कि हम सीधे जब एरोबिक फेज में पहुंचते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, राइट। तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम किसमें, एनएरोबिक में। अब एरोबिक के अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो विद ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम होता है इसका एंड ही हमारा किससे होता है, लैक्टिक एसिड से होता है, ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड बनने चालू हो जाते हैं, कहां पर, इस लैक्टिक एसिड बनने चालू हो जाते हैं। उसके बाद हमारी एनर्जी बननी चालू होती है एरोबिक के अंदर, एरोबिक एनर्जी। अभी तक ये जो एनर्जी बन रही थी एनएरोबिक, ये कहां बन रही थी, ये सेल के, आप देखेंगे ये बीच में न्यूक्लियस है, ये जो भाग बच रहा है, आप यहां देखेंगे कि ये जो भाग बाहर बाहर का भाग है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हम साइटोप्लाज्म, और मसल सेल है तो क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी बन रही थी एनएरोबिक के अंदर, एनएरोबिक के अंदर जो एनर्जी बन रही थी वो कहां बन रही थी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, या सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास आप देखेंगे आप यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो भाई जब 40 से 50 सेकंड तक एनर्जी बनी, एनर्जी बनने के बाद वो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है, जहां पर
एनर्जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे ये एनर्जी मिलती है हमारे क्रैब साइकिल के अंदर, है ना। नोट करने की जरूरत है, क्या मिलती है जब हम एरोबिक की बात करते हैं, तो एरोबिक एनर्जी हमारी एरोबिक एनर्जी हमको कहाँ मिली, क्रैब साइकिल, या इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, फिर एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब एक और चीज, यहां जब एनर्जी मिलती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी मिलती है, टोटल 38 एटीपी की मिलती है। इस 38 एटीपी, टोटल 38 एटीपी की मिलती है, जिसमें दो एटीपी तो कहां मिली, एनएरोबिक में, और 36 एटीपी मिली एरोबिक। बट कट शॉर्ट में याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी के बराबर मिलती है। एनएरोबिक में कितनी होती है, 2 एटीपी, एरोबिक में हमारी 36 एटीपी, और कहां मिलती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे पिछला। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात चल रही थी, हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक चीज और है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में जितना डीएनए होता है, उस कुल डीएनए का 1 डीएनए इसमें पाया जाता है, नोट कर लेने की जरूरत है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला क्या है उसको समझने की जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने खत्म किया, क्योंकि सेल के अंदर आप देख रहे थे कि सेल के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया खत्म किया। नेक्स्ट नंबर 2 हम लेके आते हैं, सीधे सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करते हैं लाइजोसोम की बात करते हैं। लाइजोसोम आपने देखा होगा लाइजोसोम की, कि लाइजोसोम को हमेशा आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है हमारा लाइजोसोम। हाँ, अब यहां समझना है, हम यहां देखेंगे लाइजोसोम, देखो ध्यान देना है, फिर एक टेक्निकल वर्ड्स यहां पर, लाइसिस और जिनेसिस, ये दो वर्ड होते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना और जिनेसिस का मतलब बनना। अब यहां देखेंगे ये LYSO लाइसिस से बना हुआ वर्ड है। लाइसोसिस क्या है, लाइसो जो है हमारा लाइसिस से बना हुआ शब्द है, तो लाइजो का मतलब होगा टूटना, इसका मतलब क्या हुआ हमारा टूटना। और ये जो सोम देख रहे हैं, सोम मैंने कई बार समझाया है कि सोम, सोमैटो, यहां देखेंगे सोमैटो का मतलब होता है हमारी बॉडी, क्या होता है हमारी बॉडी, शरीर। ठीक है, अभी सोमैटो वर्ड कई जगह मिलेंगे आपको, क्या क्या वर्ड मिलेंगे, नंबर 1 सोमैटो टाइप, सोमैटो टाइप किसे कहते हैं, शेल्डन के बॉडी टाइप को बोलते हैं, ठीक है ना, शेल्डन का बॉडी टाइप क्या कहलाता है, सोमैटो टाइप कहलाता है। तो क्या लिखा हमने,
यहाँ में देखेंगे शेल्डन का बॉडी टाइप, भाई शेल्डन ने बॉडी टाइप दिया ना, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, है ना। तो सोमेटो वर्ड कहां का यूज होते हैं वो समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया सोमेटो टाइप, इसके शेल्डन के, शेल्डन के बॉडी टाइप स्केल को क्या कहते हैं, तो बोला भाई सोमेटो टाइप स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोमेटो टाइप स्केल कहते हैं। सोमेटो टाइप का स्केल आपको सबको पता होना चाहिए क्या होता है, इसकी रेंज जो प्रसार होता है वो क्या होता है, 1 से 7 होता है। ये साइकोलॉजी का टर्म है, बट मैं बताना चाह रहा भाई सोम को लिया मैंने, सोम वर्ड क्या है, सोम का मतलब बॉडी, इसलिए शेल्डन का बॉडी टाइप को सोमेटो टाइप कहा जाता है, शेल्डन के बॉडी टाइप स्केल को सोमेटो टाइप स्केल कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा एंडोक्राइन सिस्टम, जब पढ़ा होगा आपने भाई ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो प्रकार के हमारे होते हैं, तो एंडोक्राइन के अंदर हमारे मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, एंटीरियर लॉब से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से एक हार्मोन निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। अभी देखिए ये भी आ गया सोमेटोट्रॉपिक, सोमेटो का मतलब होता है बॉडी, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, मतलब अगर इस सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो व्यक्ति बोना हो जाएगा, और ये बढ़ जाए तो व्यक्ति लंबा हो जाए। तो सोमेटोट्रॉपिक देख लीजिए कहां से निकला था सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, कहां से आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से निकलता है ये। अभी देखिए कैसे कैसे लिंकअप किया जा रहा है, जिससे कि आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत जवाब देंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है जितना लिख रहा हूं मैं, ये बीपीएससी के लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर लाइजोसोम, लाइजो का मतलब मैंने बताया टूटना, ठीक है। मैंने अपनी किताब में एक पेज नंबर बताया है आपको, उस पेज को जरूर देखने की जरूरत है, 503 और 504 नंबर पेज, बिल्कुल सही है। हमारी जो ये बुक है यहाँ देखेंगे, ये जो बुक है ये वाली बुक, इस बुक के 503 और 504 नंबर पेज को जरूर देखना, 503 और 504 नंबर पेज को आपने देख लिया तो आपके सामने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, एक चीज क्लियर हो गया, लाइजो का मतलब टूटना, सोम का मतलब बॉडी, सोमेटो से मतलब बॉडी, सोमेटो वर्ड कहां का यूज हुआ, एक सोमेटोटाइप स्केल बताया मैंने शेल्डन का, दूसरा सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बताया, और एक जगह सोमेटो यूज होता है, क्या नोट करने की जरूरत है, साइकोसोमेटिक डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज, साइको मतलब मनो, मनोविज्ञान से मनो मस्तिष्क, सोमेटिक मतलब बॉडी, ऐसे शरीर के रोग जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, कोई खूब टेंशन ले रहा है, डिप्रेशन ले रहा है, बहुत तनाव में है, तो उसको शरीर के रोग लग जाते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, उनको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बीपीएससी के लिए, ध्यान रखना साइकोसोमेटिक डिजीज, ठीक है, साइकोसोमेटिक डिजीज। तो देखा आपने सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटो वर्ड कहां कहां से उठ के आ गया, लाइजोसोम में भी सोम लगा हुआ है ना। तो अब लाइजोसोम मैंने बोला टूटना, सोम का मतलब बॉडी, बॉडी का टूटना, तो लाइजोसोम को हम बोलते क्या है आप यहां पर देखेंगे, लाइजोसोम
लाइजोसोम को हम बोलते हैं आत्महत्या, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली। ठीक है, नहीं नई वाली बुक नहीं है, ये पुरानी बुक है 2018 वाली, बट डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव वाली दिखाई थी मैंने। 502, 500, मैंने क्या बताया, 500, फिर से दोबारा बोलूँ मैं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को भी। हाँ, 502 और 503 नंबर पेज पे है ना, 502 और 503 नंबर पेज पे। ठीक है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहा जाता है। और लाइजोसोम को आप देखेंगे और भी इसको क्या कहा जाता है, इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग, पाचक थैली। पाचक थैली भी कहा जाता है इसको, पाचक थैली भी कहा जाता है लाइजोसोम को। ठीक है, और ये जो लाइजोसोम में अंदर जो होता है, देखेंगे लाइजोसोम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नोट कर लेना इसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम का मतलब कि जिस चीज के लिए वो एंजाइम बना उस कार्य को वो तेज कर देता है, उस कार्य को तेज कर देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं लाइजोसोम के अंदर। तो मैंने एंजाइम का मतलब बताया, जैसे होता है ना आग के अंदर घी क्या काम करती है, आग में घी का काम करना मतलब और आग को तेज कर देना, सेम उसी तरीके से एंजाइम काम करते हैं, किसी क्रिया को और तेज कर देते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहां पर यूज किया जाता है। अब भाई लाइजोसोम बनता कैसे है, नोट कर लेना है इसको, नोट करना है आपको कि राइबोसोम, और यहां देखेंगे कि लाइजोसोम को लिखना है आपको कि लाइजोसोम को, ठीक है, लाइजोसोम को लिखना है कि लाइजोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बॉडी, क्या लाइजोसोम को गॉल्गी बॉडी तथा ईआर का मतलब मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गॉल्गी बॉडी तथा ईआर मिलकर बनाते हैं। ठीक है, राइटिंग के ऊपर नहीं भागना है आपको, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको निपटाया जाए इसको। क्या होता है, मिलकर बनाते हैं, ये नोट कर लेना, लाइजोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बनाते हैं। ठीक है, दोनों को मिलकर ये बना, दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं, लाइजोसोम को बनाते हैं। और लाइजोसोम का कार्य क्या होता है, नोट कर लेना, प्रोटीन का डिस्ट्रॉय करना, प्रोटीन को खत्म करना। ठीक है, प्रोटीन का विनाश करना, नोट कर लेना, लाइजोसोम क्या करता है, प्रोटीन का विनाश करता है। ठीक है, प्रोटीन का विनाश करना, प्रोटीन का विनाश करना काम होता है इसका लाइजोसोम का। लाइजोसोम पे इतना ही क्वेश्चन आएगा, आगे चलते हैं हम, लाइजोसोम के बाद हम अगला चलते हैं राइबोसोम, नेक्स्ट आता है हमारा क्या,
राइबोसोम आता है, राइबोसोम, ठीक है। भाई राइबोसोम क्या होता है? सबसे पहला चीज राइबोसोम के बारे में लिखने की जरूरत है कि राइबोसोम हम क्या बोलते हैं इसको, इसको देखेंगे आप 1955 में क्या रोम के जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रोम के फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज एमिल पैलेडे, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने इसका आविष्कार किया था, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने, ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, जॉर्ज एमिल पैलेडे, इन्होंने आविष्कार किया था 1955 में, राइबोसोम का आविष्कार किया था, ठीक है। और अब ये राइबोसोम होते क्या है, यहां ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारा ईआर होता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे आप कि कैसे होते हैं, ये ऐसे ये होते हैं, इसके ऊपर बिंदी बिंदी आकार के ये जो चिपके हुए रहते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं। कई ऐसे होती हैं ये, जैसे आप देखेंगे ये कि एक पे चिपके हुए खाली, एक पे नहीं चिपके हुए। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं खुरदरे, हम क्या बोलते हैं, खुरदरे, जिसको हम बोलते हैं रफ, आर ओ यू जी एच, रफ ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होते हैं चिकने, स्मूथ, ठीक है ना, चिकने, उनको बोलते हैं स्मूथ ई आर। भाई स्मूथ क्यों होते हैं, उस पर कुछ चिपका हुआ नहीं होता है, जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो ई आर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं, जिस पे चिपके हुए वो खुरदरे हो गए, दाने 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 से चिपके रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हम, तो आपने देखा कि ये राइबोसोम के बारे में, ये जो राइबोसोम होता है हमारी इस कोशिका के अंदर, मैंने बताया था कि जो जो चीजें हैं अंदर ऑर्गेनेल, जैविक संरचनाएं जितनी होती हैं, उन सब में सबसे छोटा होता है, नोट कर लेना, सबसे छोटी ऑर्गेनेल होता है ये, सबसे छोटा, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइजोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, रिक्तिकाएं हो, न्यूक्लियस, सब में छोटा जो होता है राइबोसोम होता है, नोट कर लीजिए आप। और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, संश्लेषण करता है, प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है ये, ठीक है। अविनाश कुमार ओझा कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में ज्यादा बताएं, बट मैं देख रहा हूं कि मेरे पे तो कई लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ज्यादा बताया जाए, तो बट दोनों यूज कर रहा हूं, दोनों मल्टी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, एंग्लो हिंदी एकदम। तो ये देखा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ये पॉइंट लिख दिया आपने, आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, इसको सेल का इंजन कहा जाता है, नोट कर लीजिए, कोशिका का इंजन, कोशिका का ये इंजन कहा जाता है, इंजन ऑफ सेल,
फिर दूसरा देखते हैं हम कि हमारे शरीर में राइबोसोम जो सबसे अधिक होता है, शरीर में सबसे अधिक जो राइबोसोम होता है, ठीक है, शरीर में राइबोसोम जो होता है, मैंने क्या बोला, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो पैनक्रियाज होती हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होते हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय। तो आप देखेंगे ये बेसिकली प्रोटीन पैनक्रियाज से क्या निकलता है हमारा, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नोट करने की जरूरत है कि ये जो पैनक्रियाज होती है ये हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और एक्सोक्राइन का मतलब बाह्य श्रावी, ठीक है, दोनों का काम करता है। एग्जाम आया था उत्तराखंड के एग्जाम में आया था कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बाह्य श्रावी दोनों का कार्य करती है, तो वो क्या है हमारे पास, एंडोक्राइन मतलब पैनक्रिया, पैनक्रिया क्या काम करती है, दोनों का काम करती है। कैसे करती है, एंडोक्राइन का जब काम करती है, ध्यान देना है, एंडोक्राइन, तो पैनक्रियाज हमारा, मैंने बोला एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है, एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, इसमें से क्या आता है, इंसुलिन, और एक्सोक्राइन के अंदर इसमें से तीन एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी यहां लिखा हुआ देखो, और ये एक्सोक्राइन मतलब बाह्य श्रावी। भाई अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है पता है आपको, अंतःस्रावी का मतलब वो स्रावित हुआ और सीधे रक्त में मिल गया, बीच में कोई पाइपलाइन नहीं मिली इसको, बीच में कोई नली नहीं मिली कि नली के माध्यम से जा रहा है, ना सीधे मिल रहा है, इसलिए अंतःस्रावी का है। और बाह्य श्रावी का मतलब ये किसी पाइप से ही जाएगा, कोई नलिका जरूर होगी, क्योंकि आप देखेंगे जब पैनक्रिया होती है अग्नाशय, अग्नाशय नलिका से ये तीन एंजाइम अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन जाते हैं। ये जो अमाइलेज, यहां देखो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, मैं अमाइलेज, अमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये जो अमाइलेज समझ लेना है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ना, जितने भी बोर्ड जा रहे हैं छोड़ना नहीं है, जितने भी बोर्ड पीछे निकल गए किसी को छोड़ना नहीं है, सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे भाई इंसुलिन यहां लिखा मैंने, है ना, इंसुलिन, और दूसरी तरफ मैंने आपको देखा, आपने देखा मैंने लिखा अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन। मैंने ये क्या बताना चाहा कि वह पैनक्रिया दोनों का काम करता है। ये वर्ड क्यों आ गया मेरे सामने, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राइबोसोम सबसे अधिक राइबोसोम कहां होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं, याद रखना, क्यों समझना है। ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या होता है बेसिकली, ये होता है प्रोटीन, नोट कर लेना, इंसुलिन बेसिकली प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन जो हमारा शरीर इसका उत्पादन करता है। क्वेश्चन कई बार आ गया एग्जाम में कि वो कौन सा हमारे शरीर के अंदर पदार्थ है जिसका उत्पादन हमारा शरीर ही करता है, और वो प्रोटीन होता है इंसुलिन। भाई पेनक्रिया से तीन हमारे एंजाइम निकले, एंजाइम का मतलब मैंने बता दिया किसी क्रिया को वो और तेज कर देते हैं, ठीक है भाई, क्या क्रिया कर रहे हैं ये पेनक्रियाटिक एंजाइम, ये क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन में लिखा है एमाइले लाइबेट्रिप, इसको क्या बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, इन सबको, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम,
पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं इनको, पैनक्रियाटिक एंजाइम। अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज ये किसको पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। लाइपेज, देखो लाइपेज किससे बना है, लाइपेज लिपिड वर्ड से बना है, लिपिड से, ध्यान रखना लिपिड किसके लिए वर्ड यूज होता है, फैट्स के लिए, वसा के लिए। तो ये किसको पता पचाता है, ये वसा को पचाता है, मतलब फैट्स को। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को, ठीक है। अब आता है इंसुलिन, मैंने जिसको बोला प्रोटीन, क्योंकि हम भाई राइबोसोम की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक राइबोसोम कहां पाया जाएगा, पैनक्रियाज में, क्यों, इस इंसुलिन के अंदर सबसे अधिक राइबोसोम होता है। इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन। भाई ऐसा क्या, यहां एक चीज समझ लेनी है भाई, कैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन, डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज का मतलब शुगर, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज कहलाती है। भाई क्यों बढ़ जाना, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है शरीर के अंदर, और इंसुलिन क्या कहला रहा है, एंटी है, ये डायबिटिक का एंटी है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कहाँ बढ़ रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, समझना है अब इस चीज को, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने क्या बोला था, एटीपी का मील बोला था आपने, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, देखना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने बोला एटीपी का मील, एटीपी की फैक्ट्री, एटीपी के अंदर, एटीपी का मतलब क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भाई ये समझना है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, शुगर, है ना। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन में, तो उसमें होता है सिंगल शुगर, डबल शुगर, है ना, तो ये ग्लूकोज होता है। अब क्या होता है, ये जो एटीपी को मैंने बताया कि एनर्जी के लिए क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी को टूटना होता है, किसमें टूटेगा, एटीपी, एडीपी प्लस पीआई, ये क्या होता है, ट्राई का मतलब तीन, डाई का मतलब दो, प्लस ये एक, इसमें टूटता है। इसको टूटने के लिए क्या चाहिए होता है मालूम है, इंसुलिन चाहिए होता है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है, इंसुलिन। और ऊर्जा बनाने के लिए हमेशा तीन चीज चाहिए होती है, एनर्जी के लिए क्या चीज चाहिए होती है, ध्यान देना है, एनर्जी के लिए तीन चीज चाहिए होती है, ध्यान देना, एक एटीपी, एक ऑक्सीजन, एक इंसुलिन, ये तीन चीज चाहिए। अब भोजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, शरीर में एटीपी है, ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, बट इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज नहीं बना पा रही है। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, ये एटीपी जो है वो टूटेगा नहीं, मतलब ग्लूकोज शुगर जो है टूटेगा नहीं, हमारे रक्त में, हमारी रक्त वाहिनियों बहता रहेगा, उसको बोलते हैं भाई इसको डायबिटीज हो गई है। समझ में आ गया, इंसुलिन कम तो शुगर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, एटीपी टूट ही नहीं रहा है। इस एटीपी को टूटने के लिए, इस एटीपी को टूटने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन है ही नहीं तो टूटेगा या, तो इंसुलिन किसका काम करता है, एक तरीके से चाबी का काम करता है, खोलने का, तोड़ने का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको भाई डायबिटीज होती क्या है, ठीक है। तो आपने पीछे देखा कि मैंने ये बताया कि ये इंसुलिन के बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, वो हमारे इंसुलिन में पाया जाता है, नोट कर लेना, ठीक है।
एक चीज और पॉइंट यहां पर मिस हुआ है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे थे, हम यहां पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात कर रहे थे, हम माइटोकॉन्ड्रिया की इसकी बात कर रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, नोट कर लेना इसको, कि शरीर के अंदर ध्यान देना है हमारा क्या प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना, मैं नोट यहां पर आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं मैं कि क्या होता है, हमारा समझने की जरूरत है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रक्रिया होती हैं, एक को बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सुना होगा, एनाबॉलिज्म ये किससे वर्ड आपने देखा होगा, हम डॉपिंग के अंदर आता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड आता है ना, एनाबॉलिक का मतलब बिल्ड करना है ना। तो यहां एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, बिल्ड, टू बिल्ड मतलब बनाना, है ना, शरीर को बनाना मतलब बिल्ड करना, ठीक है, टू बिल्ड, हमने क्या लिखा, टू बिल्ड, राइट, बनाना। जब आपने भोजन खाया, तो हमारे भोजन सीधे कहाँ गया, हमारे आमाशय के अंदर भाई, ग्रास नली से, ईसोफागस से हमारे स्टमक में पहुंचा, उसके बाद वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, बड़ी बिग इंटेस्टाइन में गया, उसको पचाने लग गया। जब पचाया उसने, पचा के क्या किया, उसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में स्टोर करना चालू कर दिया हमारी बॉडी के अंदर, क्या करना चालू कर दिया, स्टोर करना चालू कर दिया। भाई क्या स्टोर किया उसने, यहां ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट को तो उसने क्या किया, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया। इसको नोट कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस रूप में एकत्रित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो आप यहां देखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारा फैट देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज ऊतक, क्या बोलते हैं इसको, एडिपोज ऊतक, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है, क्या होता है इसके अंदर, लिख दे रहा हूं यहां पर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा प्रोटीन, अब यहां देखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर में स्टोर होता है अमीनो एसिड में। ये देखिए नीचे जो तीन चीज लिखी है, बीपीएससी के एग्जाम में पक्का आएगा, नोट कर लेना, अभी से बता दे रहा हूं मैं ये चीज, और ये मैं बता रहा हूं मेटाबॉलिज्म, भाई चयापचय, आपने भोजन खाया, सबसे पहले एनाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म का मतलब एकत्रित होगा, भंडारण होगा, क्या होगा, भंडारण, ठीक है, भंडारण होगा इसका। अब क्या होगा, स्टोर हो गया, अब जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं अभी तो एनर्जी तो लग रही है ना, बॉडी गर्म क्यों होती है, ऊर्जा क्या हो रही है, बन रही है, खपत भी हो रही है, तो उसकी खपत होना मतलब जो ऊर्जा बनी थी उसकी खपत कंजम्पशन उसको क्या कहते हैं, वो प्रक्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, खत्म होना, खपत होना, कैटाबॉलिज्म। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म कहाँ होता है, हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म छोटी आंत में होता है। हमारे शरीर में कैटाबॉलिज्म कहाँ होता है, ये कैटाबॉलिज्म जो है, ये कैटाबॉलिज्म ये कहाँ होता है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नोट कर लेना है। इसलिए तो बोलते हैं ऊर्जा ग्रह, वहां ऊर्जा बन रही है और खपत हो रही है, खत्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। तो आपने देखा, हमने इससे पिछली स्लाइड के अंदर क्या बताया था कि यहां देखेंगे राइबोसोम के बाद हम राइबोसोम पे चल रहे थे, ठीक है। राइबोसोम के अंदर आपको समझ में आया सब कुछ कि किस तरीके से राइबोसोम काम करता है। अब यहां पर हम ये जो राइबोसोम है इसी की बात आगे चलते हैं, देखेंगे आप, देखिए आप आगे कि एक क्वेश्चन और कहां पर आया, उत्तराखंड के अंदर क्वेश्चन आया, उत्तराखंड के टीजीटी के अंदर, कि एक इस राइबोसोम के अंदर एक चीज होता है टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। टी से मतलब होता है ट्रांसफर, स्थानांतरण, और एम से होता है मैसेंजर, मतलब संदेशवाहक, और आर से राइबोसोमल आरएनए। इसका मतलब ये होता है टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर करने वाला, मतलब स्थानांतरण करने वाला, तो भाई ट्रांसफर आर एन ए क्या करता है कि राइबोसोम के अंदर छोटे छोटे आर एन ए होते हैं, आर एन ए, उनको ट्रांसफर करता है, आर एन ए के अणुओं को क्या करता है वो राइबोसोम क्या करता है ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको टी आर एन ए बोलते हैं। और एमआरएनए मैसेंजर संदेश देने का काम करता है। तो ये आपने देखा, ये आपका राइबोसोम खत्म हुआ और उसके बाद राइबोसोम के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है राइबोसोम के बाद, क्योंकि ये राइबोसोम चिपके रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो पहले हम इसको खत्म कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे करते हुए सभी सब्जेक्ट का इस एक महीने 30 दिन के अंदर कोर्स खत्म कर दूंगा मैं इसके अंदर बीपीएससी का, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीधी सीधी बात है, मैंने कहा कि भाई ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने बताया, डायग्राम बना के दिखाया था मैंने कि इस तरीके से होते हैं। एक तो भैया क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं जिसपे ये हमारे राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो हमने बोला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा क्या, चिकने, चिकने ईआर, और एक होते हैं हमारे खुरदरे, खुरदरे ईआर। भाई खुरदरे क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम खुरदरे को क्या बोलते हैं, हम रफ, क्या बोलेंगे इसको, रफ, रफ ईआर, और इसको बोलते हैं हम स्मूथ ईआर, ठीक है, स्मूथ ईआर होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, बीपीएससी के लेवल के लिए इतना जानना इसमें बहुत, इतना ही बहुत है राइबोसोम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये जरूर बताया मैंने कि भाई लाइजोसोम को कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी मिलके बनाते हैं इसको,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगला चलते हैं हम, अगला किस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम, सीधे सीधे अब देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा आता है आपका गोल्गी बॉडी के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी यंत्र। गोल्जी यंत्र बोलते हैं इसको, है ना, इसको समझना है गोल्जी यंत्र क्या होता है। तो गोल्जी यंत्र में आप देखेंगे कि इसके अंदर इसका जो आविष्कार था 1897 में इटली के रहने वाले थे कैमिलो गोल्जी ने इसका आविष्कार किया था। कैमिलो CAME, ठीक है, COME की जो आई आएगा ये कैमिलो गोल्जी, आप यहाँ देखेंगे कैमिलो गोल्जी ने इसका आविष्कार किया था 1897 में गोल्जी बॉडी का, गोल्जी यंत्र का, ठीक है ना। और ये जो ये क्या करता है गोल्जी बॉडी, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ईआर के ऊपर जो हमारे ये राइबोसोम आते हैं, प्रोटीन आते हैं, उनको ये एकत्रित करता है, नोट कर लेना इसको, कि जो गोल्जी बॉडी होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो हमारे राइबोसोम आते हैं उनको क्या करता है, ये एकत्रित करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का डायरेक्टर बोलते हैं हम इसको, कोशिका का डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ सेल। और इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं हम, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल का ट्रैफिक पुलिस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हम शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, नोट कर लेना है ये, शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये सब हमारी जो नई बुक आ रही है उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, बट अभी जितना एग्ज़ाम क्योंकि पास में, आपको इंतजार मत कीजिए, ठीक है, काम कीजिए आप अपना। तो शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है इसको, गोल्जी बॉडी को। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके क्या बनाते हैं, हमारे लाइजोसोम को बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गोल्जी बॉडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है हाँ फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम, देखो यहां पर सोम फिर से लग गया, ये क्या लग गया, सोम बॉडी से, ठीक है, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, ये जो होते हैं ना, ये केंद्रक के पास रहते हैं, केंद्रक के पास रहते हैं सेंट्रोसोम जो होते हैं, जो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास रहते हैं, ठीक है। और इस सेंट्रोसोम में क्या रहते हैं, सेंट्रियोल्स रहते हैं, सेंट्रियोल्स रहते हैं,
मतलब इसमें सेंट्रियोल्स रहते हैं जो जोड़ों में रहते हैं, जो जोड़ों में रहते हैं, ठीक है, ये केंद्रक के पास रहते हैं, इसमें सेंट्रियोल्स रहते हैं जो जोड़ों में रहते हैं। ठीक है, यह कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं, कोशिका विषा कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अगला, न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक भाई, केंद्रक क्या करता है, पूरे कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है, पूरी कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है केंद्रक, पहली चीज। अगर मैं न्यूक्लियस लिखता हूं इसका मतलब एक केंद्रक, इसका मतलब क्या है, एक केंद्रक। अगर बहुत सारे केंद्रक कहता हूं मैं, बहुत सारे केंद्रक, तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियाई, ये आ जाएगा, बहुत सारे केंद्रक को बोलेंगे न्यूक्लियाई। एक केंद्रक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आप देखेंगे न्यूक्लियस जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, ये जो शब्द है आप देखेंगे लैटिन, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मतलब, जिसका मतलब आप देखेंगे कि जिसका मतलब जो है क्या बोलते हैं हम, गुठली, ठीक है, इंग्लिश में इसको गुठली को हम बोलते हैं, इसको गुठली को देखेंगे, इसको बोलेंगे कैरनेल, इसका मतलब कैरनेल, कैरनेल का मतलब बीज या गुठली, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, आगे देखते हम, अगला आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी देखेंगे ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब द्रव्य, ठीक है, द्रव्य कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है तो कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये देखेंगे ये जो दीवार चढ़ रखी है ये इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो सेल्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसपे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए मैं वो लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो
तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन होता है तो क्या करता है कि अंदर से जो चीज बाहर जाती है उनको नियंत्रण कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। बाहर क्या जाएंगी, बाहर बता दे रहा हूं, इससे बाहर राइबोसोम जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम बने कहां पर, अंदर बनते हैं इसके, राइबोसोम अंदर बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम कहां होते हैं, अंदर बनते हैं। और राइबोसोम कहाँ बनते हैं, हमारे अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहां पर ये राइबोसोम बनते रहते हैं और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं। होता क्या है, देखो समझने की जरूरत है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम बन रहे हैं और क्या होता है, बनने के बाद ये बाहर निकलते हैं, यहां से ये बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने में चिपका लेते हैं इनको। भाई इतना जानना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया आपको। और फिर आपका अगला चीज आता है कि हाँ यहां पर देखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां देखेंगे आप, इसको मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म को ये ले लिया, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके यू करके ऐसे करके जाली नुमा आकृति दिखती है जिनको हम क्रोमोटीन कहते हैं। ठीक है, क्रोमोटीन होती है जाली का, जाली रूप की ये इसमें आकृति दिखाई देती है, और जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, किसके, न्यूक्लियो प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में आ जाते हैं ये, क्रोमोसोम बन जाते हैं ये। और आपको पता है कि क्रोमोसोम हमारे शरीर के अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम, क्या होता है, 23 पेयर्स, मतलब 46 होते हैं टोटल, कुल मिला के 46 होते हैं क्रोमोसोम, 23 जोड़ी होती हैं। ठीक है, और इस क्रोमोसोम में, इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए रहते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हमारे क्या होते हैं, जो हेरिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वंशानुक्रम जो होता है वो इसको आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और है ध्यान रखना, यहां पर इसी में एक न्यूक्लियोलस होता है जहां पर हमारे राइबोसोम, राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में, नोट कर लेना है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियोलस में क्या बोलते हैं, राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम बनने के बाद ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम बाहर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ जाते हैं। इतना जानना जरूरी है। तो ये आपने देखा सेल्स को, हमने बहुत तरीके से इसको खत्म किया सेल्स को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है सेल्स के अंदर। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि हम आज हमारी क्लास लगभग 2.5 घंटे की क्लास हो गई है, कल सवेरे फिर से हम मॉर्निंग के अंदर उठेंगे और
लगभग 6 बजे से 2.5 घंटे के 8:30 बजे की क्लास हम ऐसे ऐसे करते हैं, सभी को लेना चालू कर देंगे। ठीक है, हेलो। तो आज की ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और इसी तरीके से हमारी क्लास चलती जाएगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और दोज वो आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन BPSC के लिए, और बहुत आराम अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए और बुक भी सबके पास है लगभग, वो तो आप उससे जुड़िए। और मैं फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ, मैं इस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना है 37880 पे। ठीक है, तो आप मैसेज करेंगे तो हमारे संग जुड़ जाएंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूरा है, आप बिल्कुल सही है, एंग्लो हिंदी में, मतलब हिंदी में ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा साइंस सब्जेक्ट है, इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आपको इंग्लिश में जानने की ज़रूरत है। तो आज हमने ये क्लास ख़त्म की, आपने देखा आपने, तो यहाँ जानना ज़रूरी है आपको। तो आज हम इस मैराथन क्लास को यहीं एंड करते हैं, और कल मैंने जैसा बताया कि अर्ली मॉर्निंग में अंदर फिर से क्लास हमारी इसी के आगे, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लास चलेगी, दोनों टाइम हम क्लास करेंगे, और लगभग जो 1 महीना है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आ जाना है सभी स्टूडेंट्स के अंदर कि एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके स्टार्ट किया हमने और इसको तुरंत ख़त्म करते चलेंगे, क्योंकि देखो लिंकअप ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके बाद हम टिश्यू पे आए, स्कैनर सिस्टम पे आएंगे, ऐसे करते 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 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम ख़त्म करते चले जाएंगे। ठीक है, आज हमने पहला मैराथन लिया है तो थोड़ा सा समय कुछ ज़्यादा खिंच गया, क्योंकि हम 2.5 घंटे के अंदर ज़्यादा कवर करना चाहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, क्योंकि मैंने लिंकअप करके काफ़ी टॉपिक्स और क्लियर कर दिए हैं, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पंजाबी में बुक भी निकालेंगे हम, पंजाब से काफ़ी लोग हैं, पंजाबी में बुक निकाली है, आप बिल्कुल निकलेगी बुक। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी को गुड नाइट, इसी तरीके से आप जुड़े रहें। और मैंने एक फ़ोन नंबर लिख दिया है अपना, मोबाइल नंबर, आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और कैसे जुड़ने की प्रक्रिया सब उसके अंदर बता रखा है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद, जय भारत।